नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ 35x36 का घर का नक्शा। 35x36 का घर का नक्शा जो आप देख सकते हैं इस पर, ये हो गया। देखिए 35x36 का घर है जिसमें चार बेडरूम है, 1 2 3 4, चार बेडरूम है और दो टॉयलेट है, दो बाथरूम है, ये किचन हो गया, ये डाइनिंग हॉल, ये बरामदा हो गया, ये सीढ़ी हो गया। सीढ़ी स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे हम लोग, यहाँ पर चढ़ जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो कितना बाई कितना का टॉयलेट और बाथरूम है मैं सब बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए मैं बताता हूँ कितना बाई कितना क्या है। तो मैं सबसे पहले बता दूँ, आपका ये हो जाएगा बेडरूम, बेडरूम और ये भी हो जाएगा बेडरूम। ये हो गया बेडरूम, बेडरूम आपका मैं बता दिया पहले। ये किचन देख सकते हैं, बेडरूम, बेडरूम, किचन। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये 11x12 और ये हो जाएगा 11x12 और आपका किचन हो जाएगा 7x11 फुट इंच। तो 11x12 यानी आपका ये हो जाएगा, ठीक है, 11 फुट और आपका फिर ये हो जाएगा 11 फुट और ये आपका लंबाई हो जाएगा 12 फुट और इसका भी लंबाई हो जाएगा 12 फुट, ठीक है। तो आपका ये टॉयलेट में तो देख सकते हैं, ये आपका ये टॉयलेट हो गया, ये टॉयलेट, टॉयलेट और ये भी टॉयलेट और ये बाथरूम और ये भी बाथरूम ये बाथरूम हो गया। तो मैं बता दूं आपका टॉयलेट आपका हो जाएगा 4x4 फुट 7 इंच, ये भी हो जाएगा 4x4 फुट 7 इंच। टॉयलेट आपका हो जाएगा 4x6 फुट का, ये भी हो जाएगा 4x6 फुट का, 4 फुट ऐसा, 6 फुट ऐसा, ये 4 फुट ऐसा और 4x7 इंच ऐसा, ठीक है, 4x7 इंच सॉरी 4 फुट ऐसा। और आपका मैं डाइनिंग हॉल बता देता हूँ, डाइनिंग हॉल हो जाएगा 11x6 इंच x17 फुट 5 इंच डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल, ठीक है, ये डाइनिंग हॉल हो जाएगा। और आपका बेडरूम ये फिर ये हो जाएगा बेडरूम और ये हो जाएगा बेडरूम, देखिए बेडरूम। तो आपका ये हो जाएगा 11x12, ये हो जाएगा 11x12 आपका ऐसा हो जाएगा, 11x12 ऐसा हो जाएगा 11 और फिर ऐसे आ जाएगा का 12, ठीक है। और ये जो बरामदा है आपका हो जाएगा, बरामदा आपका 8x11x6 इंच, 8 फुट ऐसा, 11x6 इंच ऐसा बरामदा, ठीक है। और आपका ये पोर्च हो जाएगा, पोर्च देख सकते हैं, ये पोर्च हो गया। सबसे पहले मैं बता दूँ कितना का ये आपका, ये ऐसे हो जाएगा 36 और ऐसे हो जाएगा आपका 35। तो मैं सबसे पहले बता दूँ आपको कि इस दीवार से इस दीवार तक मैं बताया हूँ 36 और इस दीवार से इस दीवार तक 35। और खिड़की का जगह अगर 3 फुट इधर छोड़ना चाहते हैं, 3 फुट अगर इधर छोड़ना चाहते हैं तो 36 से 42 फुट आपका हो जाएगा, 3 फुट इधर का, 3 फुट इधर का, 6 फुट और जुड़ जाएगा तो 36 से 42 फुट हो जाएगा। और अगर इधर खिड़की के 3 फुट और बाकी इधर जगह रहेगा आपका, अगर 3 फुट इधर खिड़की जोड़ेंगे तो 38 फुट हो जाएगा, बाकी आपका ये द्वार रहेगा। तो आप देख सकते हैं डाइनिंग हॉल, सीढ़ी आपका है 8x5 इंच x11 फुट में, 8x5 इंच और 11 फुट में देख सकते हैं ये।
तो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जो करें। और आपका ये मेन गेट आपका ये हो जाएगा और यहाँ पे एक दरवाज़ा रहेगा, ये गेस्ट रूम है, मगर बेडरूम में बताया गेस्ट रूम है। यहाँ पे जाने के लिए दरवाज़ा, फिर यहाँ पे जाने के लिए दरवाज़ा इस रूम में, टॉयलेट बाथरूम में, फिर उसके बाद में टॉयलेट में जाने के लिए, फिर ये बाथरूम में जाने के लिए, फिर ये टॉयलेट में जाने के लिए, ये बेडरूम में जाने के लिए, और फिर ये बेडरूम में जाने के लिए, ये टॉयलेट में जाने के लिए, सॉरी किचन में जाने के लिए, सॉरी सॉरी किचन में जाने के लिए, और ये सीढ़ी स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। ये सब खिड़की हो गया जो बाहर वाला। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें।